नमस्कार, इनबीसीएन की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इनबीसीएन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए अब करना होगा आवेदन, सीएम केजरीवाल का ऐलान। भारतीय समुद्री सीमा के 9.5 किलोमीटर अंदर से पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया। दिल्ली ईडब्ल्यू के दफ्तर पहुंची जैकलीन फर्नांडिस, पिछले दरवाजे से की एंट्री। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक आज थामेंगे भाजपा का दामन। बेगुलसराय में फायरिंग पर एक्शन में नीतीश सरकार, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बेगुलसराय फायरिंग के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया एनएच 31 को जाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण हादसा, बस खाई में गिरी, 11 की दर्दनाक मौत। मुंबई में 3 साल के बच्चे के शरीर पर मिले जलाए जाने के निशान, होम ट्विटर के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के मुंबई में सायन इलाके में लगातार बारिश से जलभराव की हालत, राहत कार्य अभी जारी। और ताइवान पर हमला रोकने के लिए चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका।